आज की वीडियो में कतर वर्क वीजा प्रोसेस फॉर इंडिया, इंडिया में कतर का वर्क वीजा कैसे मिलता है, क्या क्या करना पड़ता है, मेडिकल में क्या होता है, जॉब ऑफर आपको पहले आता है या इंटरव्यू पहले होता है, क्या होता है। सबसे पहले आज हम ए टू जेड कतर वर्क वीजा प्रोसेस फॉर इंडिया के बारे में बात करने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं, इंडिया में वर्क वीजे का प्रोसेस कैसे होता है। सबसे पहले आपको जॉब ऑफर लेटर की जरूरत होती है, यानी जॉब आपको चाहिए कतर के अंदर। जो एम्प्लॉयर आपको जॉब दे रहा है, वो एम्प्लॉयर आपको कतर बुला रहा है, उसका जॉब ऑफर चाहिए आपको, ठीक है। नंबर टू, एम्प्लॉयर एप्लीकेशन। एम्प्लॉयर आपके लिए वीजे के लिए अप्लाई करता है एम्बेसी में, वर्क वीजे के लिए आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह एम्बेसी में जमा करवाता है। और ये भी हो सकता है कि एम्प्लॉयर पहले आपका इंटरव्यू ले, इंटरव्यू अगर आप फेल करते हैं तो फिर नहीं अप्लाई करेगा, अगर आप इंटरव्यू पास कर लेते हैं तो फिर एम्प्लॉयर आपका वीजा अप्लाई करता है एम्बेसी में। उसके बाद आपका मेडिकल चेकअप होता है, यानी जब आपके एम्प्लॉयर ने आपका वीजे के लिए अप्लाई किया, वहां से अप्रूव हो गया, तब आपका मेडिकल चेकअप के लिए अपॉइंटमेंट मिलती है क्या ओवीसी के नाम से, जो कि कतर अथॉरिटी अप्रूव करती है कि मेडिकल पहले करवाओ, बाद में फिर वीजा इश्यू होगा। उसके बाद नंबर फोर, डॉक्यूमेंट सबमिट। फिर आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करता है, मैं ये भी बताऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगते हैं। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद, यानी आपका मेडिकल भी पास हो गया, आपके सारे डॉक्यूमेंट, तलीमी कागजात, पुलिस सर्टिफिकेट, ये सारा कुछ कतर अथॉरिटी में सबमिट किया जाता है, फिर आपका वीजा अप्रूव होता है। पांचवें नंबर पर वीजा अप्रूव होता है। जब आपका वीजा अप्रूव हो जाए तो समझ ले फिर आपने टिकट कटवानी है और आना है। अभी मैं बता देता हूँ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपके कौन कौन से पास होने चाहिए। जब आपने फ्लाइट लेनी है इंडिया से कतर के लिए, तो कौन कौन से आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए, यानी अभी एक्सपायर होने में 6 महीने पड़े हों। उसके बाद एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्ट आपके पास होना चाहिए, जिस एम्प्लॉयर ने आपको कतर में बुलाया, ये एयरपोर्ट पर चेक हो सकते हैं, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जो क्या ओवीसी से मिलता है मेडिकल। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और एजुकेशन सर्टिफिकेट, ये चीजें आपके पास होनी चाहिए, और यही चीजें एम्बेसी में भी जमा होती हैं जब आपका वीजा निकाला जाता है। अभी काफी लोग पूछेंगे वीजा फीस वो हमने पे करनी है या हमारे एम्प्लॉयर ने पे करनी है। ये एम्प्लॉयर पे करता है आपकी फीस, जो आपको वीजे के लिए बुला रहा है, काम के लिए बुला रहा है। उसके बाद ज्यादातर लोग बोलते हैं रेजिडेंस परमिट, यानी रिहाइश क्या हमारा वो एम्प्लॉयर करेगा या हमें खुद करनी पड़ेगी। अगर तो वो कंपनी का वीजा है तो आपको रिहाइश मिलती है, सबको पता है। अगर आजाद वीजा है, कोई आपका भाई दोस्त आपको बुला रहा है, तब ये क्या कर आपको अपने रूम में रख सकता है, या फिर आपके लिए बाहर जगह बनाएगा, बाहर कई दोस्त यार या किसी अपार्टमेंट में आपके लिए जगह तलाश करेगा, ठीक है। कोमोटेशन सेम योर एम्प्लॉयर देता है आपको कोमोटेशन भी। ये है कतर का वर्क वीजा जो इंडिया में मिलता है, जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए, वीजा अप्रूव, डॉक्यूमेंट सबमिट, मेडिकल चेकअप, एम्प्लॉयर एप्लीकेशन, जॉब ऑफर, ये 5 से 6 स्टेप आपके पूरे होते हैं तभी आप कतर आएंगे। इंडिया से कतर आने के लिए आपको ये सारे स्टेप पूरे करने पड़ेंगे, और इसको बेहतर आप अप्रूव करने के लिए, यानी और अच्छे से जानने के लिए कतर से राबता करें, मिनिस्ट्री से, अथॉरिटी से राबता करें, या जिससे आप वीजा ले रहे हैं उससे बेहतर नॉलेज ले सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।